उद्देश्य ये रहा है कि कोई भी बंदा सुसाइड करने को मजबूर ना हो, किसी के भी माँ बाप रोए नहीं। इसलिए हमने इसको व्यक्तिगत मुहिम बनाया और इस मुहिम के अकॉर्डिंग हमने कानूनी चीज़ों को खंगालना स्टार्ट किया और आप लोगों के मदद के लिए हमेशा तरीका चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप समझदार हैं ना तो मेरी बात को ज़रूर समझेंगे। पैसे आजीविका चलाने के लिए, रोजनदारी चलाने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मदद जो हम बोलते हैं ना, मदद ये है कि जब भी आपके लिए हम खड़े होंगे ना, जब भी आपके लिए कलम उठाएंगे तो ईमानदारी से उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बचाया जाए। तो अब तक ऐसा ही हुआ, कभी कोई फंसा नहीं आज दिन तक। किसी ने मेरे को काम को लेके ये तोहमत नहीं लगा पाई कि नहीं आज ब्रह्मदत्त भैया ने आज तरीके से गलत कर दिया और मेरा नुकसान हो गया। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे कि लोग मेरे YouTube चैनल पर कमेंट करते हैं कि मैंने पैसा ले लिया, उनसे बात नहीं की, उनके साथ फ्रॉड कर दिया। तो आज मैं इसी के संबंध में स्पष्टीकरण देना चाह रहा हूं। और अगर मेरी बात सही हो और आपको लगता है कि मेरे साथ वास्तव में गलत किया गया है और आज जो मेरी मजबूरी है जिसकी वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि जिस स्थिति से आप लोग गुजर रहे हैं ना, उसी स्थिति से मैं कई बार गुजरा हूँ और आप लोगों का हमेशा मेरे साथ में सपोर्ट रहा है। मैंने 2013 से लेके अब तक पुरुषों के लिए, पुरुषों के पक्ष में मैंने हमेशा काम किया है। पुरुषों को बचाने के लिए, परिवारों को बचाने के लिए मैंने अपनी एक व्यक्तिगत मुहिम जैसी चला रखी, जिसमें मैंने काफ़ी परिवारों को बचाया। जो लोग मुझे व्यक्तिगत तरीके से जानते हैं, जो लोग मेरे घर पे आ चुके हैं, जो लोग हमसे मिल चुके हैं, वो मेरी उपस्थिति से भली भांति वाकिफ हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे कुछ छुपा है। और जो लोग मेरे घर पे आए हैं ना, हमने बिल्कुल फैमिलियर बिहेव किया उनके साथ में, एक घर के सदस्य की तरह उनको हमने रखा। घर में किसी भी तरीके की हमने कोई रोक टोक नहीं रखी, जैसा हम खाते थे वैसा ही हमने खिलाने की कोशिश की। ऐसे ही लोग आते रहे जाते रहे मेरे घर में, 14-14 दिन तक रुके और मैंने उनको समझाया, उनके केस में उनकी मदद की। मैंने अब तक करीब 350 केसेस में ऑन रिकॉर्ड मैंने मदद की है। लेकिन उस पीरियड में 2021 से पहले हम पैसे नहीं लिया करते थे। मैंने एकदम बिल्कुल फ्री सेवा कर रखी थी। हालिया स्थिति, आर्थिक स्थिति अपनी डगमगाई हुई थी, कोई संसाधन नहीं थे, कोई साधन नहीं थे ऐसे जिससे कि अपना खर्चा चला सके। आप लोगों ने ही हमें सजेस्ट किया। उसी पीरियड में जैसे कि हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं एक दूसरे से, आप अपनी पीड़ा मुझे बताते हैं, मैं अपनी पीड़ा आपको बताता हूँ कि भाई आप पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था, तो हम बता देते हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था और ये चीज़ें थी। आप अपनी पूरी कहानी बताने के लिए हमें आप फ़ोन कर रहे हैं। एक लीगल कंसल्टेंट की तरह हम काम करते रहे, आपको समझाने का प्रयास करते रहे और हमेशा से ही ये कोशिश की कि किसी भी तरीके से आपको बचाया जाए। मेरा हमेशा उद्देश्य ये रहा है कि कोई भी बंदा सुसाइड करने को मजबूर ना हो, किसी के भी माँ बाप रोए नहीं। इसलिए हमने इसको व्यक्तिगत मुहिम बनाया और इस मुहिम के अकॉर्डिंग हमने कानूनी चीज़ों को खंगालना स्टार्ट किया और आप लोगों के मदद के लिए हमेशा तैयार खड़े रहे। ऐसे ही होता है कि फ़ोन मेरा जो है उस पर कई सारे लोगों की कॉल आती रहती थी, पता नहीं चलता था कि कोई एडवोकेट फ़ोन कर रहा है
या कोई आपकी पत्नी के पक्ष से कोई फ़ोन कर रहा है, या कोई पुलिस का बंदा फ़ोन कर रहा है, या कहाँ से फ़ोन आ रहा है, किसका फ़ोन आ रहा है, कुछ नहीं। क्योंकि हम रेगुलर वे में बात करते थे, किसी का भी फ़ोन आता था फ़ोन उठाते थे, बातचीत करते थे। बातचीत करते 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 क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, और मुझे आइडेंटिफाई भी नहीं मैं कर पाया कि जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ वो आखिर में है कौन, क्या वो सही नाम बता रहा है, सही नाम पता अपना बता रहा है। ये चीज़ें चलती रहीं, हम एक पीड़ित की तरह उनकी मदद करते रहे, बातचीत करते रहे। मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे किस तरीके से ट्रैप किया जाएगा। इसी पीरियड में मेरे साथ में करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है, मेरे खाते से पैसे चले जाते हैं, मेरे साथ एक फ्रॉड हो जाता है। उसमें 2-3 राज्यों की पुलिस जो है ना उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है, थाना थाना खेलते रहते हैं ये लोग, कोई FIR दर्ज नहीं होती है। उसी पीरियड में क्या होता है कि एक मेरे पास चेक जो है वो बाई पोस्ट एक चेक आता है, डाक से चेक आता है, उसको मैं तुरंत पुलिस को फॉरवर्ड करता हूँ, उसका लिफाफा तुरंत पुलिस को फॉरवर्ड करता हूँ, और थोड़े दिन 10-12 दिन मैं इंतज़ार करता हूँ कि शायद कोई पुलिस से कोई रिप्लाई आए। पुलिस का जब कोई रिप्लाई नहीं आता है तो मैं उस चेक को वेरीफाई कराता हूँ उस कंसर्न बैंक से जो हमारे यहाँ जो ब्रांच थी, तो चेक मुझे सही समझ में आती है और मैं उसको अपने अकाउंट में लगा देता हूँ क्रेडिट करने के लिए। तो जैसे ही चेक मैं लगाता हूँ तो मुझे मालूम नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। जो चेक था वो बिल्कुल सही था, एड्रेस था बिल्कुल सही था, सारी चीज़ें सब सही थी। वो चेक सिग्नेचर के आधार पे बाउंस हो जाता है। जब वो सिग्नेचर के आधार पे जब बाउंस हो जाता है तो मैं फिर पुलिस को इंटीमेशन देता हूँ, जो बैंक मीमो देता है मुझे उस मीमो की कॉपी लगा के मैं पुलिस को फिर इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि सर इस तरीके से लगता है कि दोबारा फिर से फ्रॉड हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हुआ पुलिस का फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता है तो मैं क्या करता हूँ NI एक्ट के तहत मैं नोटिस जारी कर देता हूँ। तो इस पीरियड में मुझे ये मालूम नहीं था कि जिस तरीके से मुझे ट्रैप किया गया है उस तरीके से और लोगों को भी ठगा गया है और लोगों को भी चेक बांटी गई है। क्या सच्चाई है नहीं मालूम, क्योंकि मैं उस बंदे को कभी जानता नहीं था। बाद में जब चीज़ें सामने आई तब पता चला कि इसकी पत्नी के भी इससे केस चल रहे हैं। सारी चीज़ें सामने आई कि भैया इसकी पत्नी के भी इसके केस चल रहे हैं, और खुदा ना खास्ता भगवान जाने किसने क्या किया, लेकिन मेरे पास जो चेक आया था बाई पोस्ट चेक आया था और जो चेक था वो रजिस्टर्ड डाक से आया था। ऐसा नहीं था कि मतलब कोई कोरियर से आ जाए या ऑर्डनरी पोस्ट से आ जाए, वो चेक आया था। उसमें मामला चलता रहा, उसमें FIR हुई, मेरे खिलाफ ही FIR हुई। मेरा जो 4 लाख रुपए था आज दिन तक कभी उस पर किसी भी थाने ने कोई FIR दर्ज नहीं की। क्यों? क्योंकि एक जगह पे मैटर जो था ना वो पेंडिंग था, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी। हाईकोर्ट में क्वेश्चन पूछे गए कि मेरी FIR दर्ज क्यों नहीं की गई और मेरी और आनन फानन में अरेस्टिंग क्यों की गई, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आई। वो मैटर अभी भी पेंडिंग है जिसमें कमिश्नर और पुलिस ने गलत एफिडेविट फाइल किया, जिसमें कि सारी चीज़ों को नकार दिया, जिसकी कॉपी मुझे आज तक नहीं मिली। खैर ऐसे केस में मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल सही हूँ और ईमानदार बंदा हूँ, सच्चा बंदा हूँ, क्योंकि मैंने कोई गलत नहीं किया। आप लोग कमेंट करके बताना क्या मैंने एक पीड़ित के नाम पर, अगर किसी का मेरे पास फ़ोन आ जाता है, अगर आपका कोई नाम है और आप नाम बदल के अगर मेरे से बात कर रहे हैं और आपको मैं पहचानता नहीं, तो आप लोग फिर यही कहते हैं कि भैया ये बात नहीं करता, ये एरोगेंट हो गया है बहुत। अगर आपसे बात कर ली जाती है तो आप लोग इस तरीके से अगर करेंगे तो सामने वाले को नुकसान होगा। इससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ, जो पहले से आर्थिक स्थिति खराब थी, जो हमारे खुद के मैटर चल रहे थे उन पे तो ध्यान हट गया, लेकिन जो आर्थिक स्थिति थी सारी डगमगा गई। फिर आप ही जैसे लोगों ने हमसे कहा कि भैया कैसे मैनेज करोगे,
मैंने भी कहा कि भाई अगर इस तरीके से अगर चीज़ें आएंगी तो हम हमारे लिए बहुत मुसीबत वाली बात है। मैंने फिर सबको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया और मैंने ये कहा कि भाई जो भी हमसे बात करना चाहता है, जो भी हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, वो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप संपर्क करो, डायरेक्ट कॉल ना करें और कुछ भी पैसा आप मेरे अकाउंट में भेजें, क्योंकि आप अकाउंट नंबर को नहीं छुपा सकते, क्योंकि आपका जो अमाउंट जो आ रहा है ना वो हमारे अकाउंट में आ रहा है, वो अकाउंट से अकाउंट ही आता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम जिस बंदे से बात करते हैं वो बंदा जेन्युइन है या नहीं है। इसलिए फिर दिमाग में आया कि जब हम ऐसे ही कर रहे हैं तो फिर क्यों ना फीस रख दें, क्योंकि हमें सफ़र करना पड़ रहा है, एक हाई कोर्ट दूसरी हाई कोर्ट। जब चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगती हैं तो मेरे बारे में अफवाह फैला दी जाती है कि वो बंदा फ्रॉड है, उसके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं माता बगलामुखी का भक्त हूँ और ईमानदारी से कहता हूँ मैंने किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया और हमेशा ईमानदारी से अपना काम करता रहा हूँ। हाँ, आज फीस ज़रूर लेता हूँ क्योंकि हालिया स्थिति हमारी ख़राब है, और लेकिन मैं जिसके लिए भी काम करता हूँ ईमानदारी से काम करता हूँ। दूसरी बात कि मेरे पास दो बच्चों की कस्टडी है, मेरे पास जिम्मेदारियाँ बहुत हैं और टाइम बहुत मुश्किल से मिल पाता है। जो लोग हमें पैसे भेज भी देते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अब इससे बात हो पाए नहीं हो पाए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी है ना, इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं किसी पीड़ित की मदद कर रहा हूँ, मदद का मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे ले रहा हूँ तो मैं आपके खिलाफ हो गया हूँ, अगर मैं पैसे ले रहा हूँ तो बुरा कर रहा हूँ। भाई पैसे आजीविका चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, आप समझदार हैं ना तो मेरी बात को ज़रूर समझेंगे। पैसे आजीविका चलाने के लिए, रोजनदारी चलाने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मदद जो हम बोलते हैं ना, मदद ये है कि जब भी आपके लिए हम खड़े होंगे ना, जब भी आपके लिए कलम उठाएंगे तो ईमानदारी से उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बचाया जाए। तो अब तक ऐसा ही हुआ, कभी कोई फंसा नहीं आज दिन तक। किसी ने मेरे को काम को लेके ये तोहमत नहीं लगा पाई कि नहीं आज ब्रह्मदत्त भैया ने आज तरीके से गलत कर दिया और मेरा नुकसान हो गया, बशर्ते कि वो उसी तरीके से अपनी बात रखे जिस तरीके से हम उसको समझाते हैं। तो इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? मेरे बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, गलत तरीके से चीज़ें फोल्ड की जा रही हैं। अब मैं खुल के बोलता हूँ कि मैं पैसे लेता हूँ, काम करता हूँ और निस्वार्थ हूँ बिल्कुल। आप लोग चाहें तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताना क्या मैंने सही किया या गलत किया, क्योंकि ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, ये आपके साथ भी हो सकता है। थोड़ा सा ऐसे लोगों से सचेत भी रहें, जो लोग ये सोचते हैं ना कि YouTube पे हम अपना दुखड़ा रो के, अपना दुखड़ा बता के, आपकी समस्या का समाधान सिर्फ आप ही हैं, क्योंकि मैंने झेला है ये चीज़ें, काफ़ी नुकसान हुआ है। आपको अगर कोई बात करनी है तो आप अपने लॉयर से बात करो, आपको अपने किसी लीगल कंसल्टेंट से बात करो, लेकिन पीड़ित पीड़ित के नाम पे ना एक दूसरे से बात मत करो अपनी कहानियां मत, पता नहीं, क्योंकि कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी होती है, पता नहीं आपका कौन कब कहाँ मिसयूज कर ले। मैंने झेला है और जो दर्द हमने, मालूम है फैमिली मैटर्स में कोई दिक्कत नहीं थी हमें, जितना पीड़ित के नाम पे मुझे ठगा गया। और आज मैं जब पैसे लेता हूँ आपसे तो आपको लगता है कि बंदा पैसा मांग रहा है, वकीलों को पैसे देने के लिए नहीं थे, बच्चे भूखे रहते थे हमारे, कैसे मैंने मैनेज किया, कैसे मैंने वकालत की, मेरा ईश्वर जानता है और जो लोग मेरे संपर्क में हैं वो लोग मेरी हकीकत जानते हैं। और जो लोग मेरे घर पे आए हैं ना, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि सच्चाई मैं कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो मेरे बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं ना, उन अफवाहों से बचो, और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके परिवार को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और हर वीडियो को ईमानदारी से देखो, आपके काम आएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको। और 500 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी फीस नहीं है, क्योंकि आपके केस भी 3-4 केस होते हैं। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं, केस स्टडी कराना चाहते हैं, मेरिट पे अगर आप
सोल्यूशन चाहते हैं किसी समस्या का कि आपको कैसे अपनी प्रोसीडिंग करनी है, कैसे क्या करना है, तो हमने 2000 रुपये पर केस के हिसाब से रखा हुआ है। UPI नंबर मेरा यही है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं।